हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप एक रियलमी नार्जो 10 यूज़र हैं तो आपके लिए यहां पर एक गुड न्यूज़ है। रियलमी नार्जो 10 के लिए रियलमी यूआई 2.0 का जो स्टेबल अपडेट है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 11 पर, वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि किन यूज़र्स को ये अपडेट मिलेगा और कब तक सभी यूज़र्स को ये अपडेट मिल पाएगा। तो दोस्तों, एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किन यूज़र्स को ये अपडेट मिल पाएगा। तो जिन भी यूज़र्स के फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर वर्जन है, अगर वो RMX 2040.11A.47 है, तो उन यूज़र्स को ये अपडेट जो है वो मिल पाएगा। अब अगर आपका फ़ोन इस वर्जन पर अपडेट नहीं है, तो पहले आपको इस वर्जन पर अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये अपडेट मिल पाएगा। अब अगर हम बात करें इसके नए वर्जन की, जो इसका नया वर्जन होने वाला है, तो वो है RMX 2040.11C.07। अब इसका अगर हम साइज़ की बात करें, तो जो इसका साइज़ होगा वो 194 MB का होगा। लेकिन ये 194 MB का जो साइज़ है, वो उन यूज़र्स के लिए है जो ऑलरेडी बीटा पे पहले से रन कर रहे थे। अगर हम बात करें एंड्रॉयड 10 यूज़र्स की, तो उनके लिए इसका जो साइज़ होगा वो लगभग 3 GB के आसपास का होगा, क्योंकि उनका 1.0 से सीधे 2.0 पर जाएगा, तो जो इसका साइज़ है अपडेट का, वो आपको यहाँ पर बड़ा देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करें इसके चेंज लॉक की, तो इसके चेंज लॉक में भी जो एंड्रॉयड 10 यूज़र्स हैं, उनको काफ़ी बड़ा चेंज लॉक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगेन ये UI 1.0 से 2.0 पर जाएगा, तो चेंज लॉक आपको काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि सभी यूज़र्स को ये अपडेट कब तक मिल पाएगा, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि एक स्टेज रोल आउट होता है, तो पहले ये कुछ रेंडमली कुछ यूज़र्स को दिया जाता है। अगर उसमें कोई क्रिटिकल बग नहीं मिलता है, तो फिर धीरे धीरे करके ये सारे यूज़र्स को अपडेट रोल आउट कर दिया जाता है। लेकिन अगर उसमें कोई बग मिलता है, तो पहले उसको फिक्स किया जाता है, फिर जो है वो सारे यूज़र्स को दिया जाता है। तो अगर आपको मान के चलिए कि इसमें 1 महीने का समय आपको कम से कम लग सकता है सभी यूज़र्स के लिए रोल आउट होने में। और अभी अगर हम रियलमी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जितने भी फ़ोन्स में अभी स्टेबल वर्जन मिला है, उनमें भी जो है अभी सारे यूज़र्स को अभी तक अपडेट नहीं मिल पाया है 1 मंथ के बाद भी। तो ये रियलमी पे ही कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में जो है सारे यूज़र्स के लिए अपडेट रोल आउट कर पाता है। लेकिन आपको मिनिमम 1 महीना तो इसको मान के ही चलना चाहिए कि 1 महीने के बाद ही सारे यूज़र्स को अपडेट मिल पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।